जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज है फ्रेंड सोमवती अमावस्या, तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सनातन धर्म में अमावस्या की विशेष मान्यता है, खासकर सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या, इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। और इस साल सितंबर 2024 में सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। अब जानते हैं फ्रेंड्स, सोमवती अमावस्या 2024 में कब है और कब तक रहेगी। सोमवती अमावस्या पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि यानी आज 2 सितंबर 2024 सोमवार को सुबह 5:21 पर शुरू होगी और अगले दिन 3 सितंबर 2024 को सुबह 7:24 पर इसका समापन होगा। अब जानते हैं फ्रेंड्स, सोमवती अमावस्या में क्या क्या हमें करना चाहिए जिससे कि जीवन में सकारात्मक लाभ देखने को मिले। सोमवती अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान, सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। इसके अलावा मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं, चींटियों को आटा डालें, पीपल, बरगद, केला, तुलसी जैसे पेड़ लगाने चाहिए, यानी कि वृक्ष लगाने चाहिए, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं खासकर जिनकी हम पूजा करते हैं, जैसे पीपल, बरगद, केला, तुलसी, इनमें देवताओं का वास माना जाता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर किए गए ये कार्य पितरों को प्रसन्न करते हैं जिससे कि हमारे जीवन में खुशहाली आती है। अब जानते हैं फ्रेंड्स, सोमवती अमावस्या पर किसकी पूजा की जाती है। सोमवती अमावस्या का दिन पितरों और शिव पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व नदी में स्नान करें, फिर कच्चे दूध में दही शहद मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और चौमुखी घी का दीपक जलाकर शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप इस दिन व्रत करते हैं महिलाएं, तो इससे सुहाग पर संकट नहीं आता है। इसके अलावा वंश वृद्धि होती है, कार्यों में आ रही अड़चने खत्म होती है और बिगड़े हुए काम पूरे होते हैं। ये थी फ्रेंड्स सोमवती अमावस्या के बारे में कुछ खूबसूरत सी जानकारियाँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्णा दोस्तों।